अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली विभाग के मीटर रीडरों ने किया हड़ताल। सिक्योरिटी मनी वापस लेने के लिए शुरू की हड़ताल। 20 महीने तक TDS डाटा मैनेजमेंट कंपनी ने काटा सिक्योरिटी मनी के नाम पर 1,000 रुपए। खत्म होने वाला है TDS डाटा मैनेजमेंट कंपनी का टेंडर। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गौरीगंज में तैनात लगभग 200 मीटर रीडरों ने हड़ताल कर दिया है। आपको बता दें कि TDS डाटा मैनेजमेंट कंपनी ने इन सभी को संविदा पर रखा था और अब कंपनी का एग्रीमेंट मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से खत्म होने वाला है। ज्वाइनिंग के बाद कंपनी ने सिक्योरिटी मनी के नाम पर मीटर रीडरों की सैलरी से 20 महीने तक लगातार 1,000 रुपए सिक्योरिटी मनी के नाम पर काट रही थी, जिसको सभी मीटर रीडर अब वापस मांग रहे हैं, क्योंकि कंपनी का एग्रीमेंट समाप्त होने वाला है और इसका रिन्यूअल भी अभी तक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ नहीं हुआ है। तो वहीं मीटर रीडरों का ये भी आरोप है कि कोई भी अधिकारी उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिससे मजबूर होकर उनको कार्य का बहिष्कार करना पड़ रहा है। जब तक कंपनी उनका सिक्योरिटी मनी का पैसा वापस नहीं कर देगी, तब तक मीटर रीडर काम पर नहीं जाएंगे। अमेठी से यह खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। सर बता दें कि हम लोग यहाँ अमेठी डिवीजन में गौरीगंज से मीटर रीडर के पद पर कार्यरत हैं। लगभग हम लोग 200 मीटर रीडर साथी हैं, जो विद्युत विभाग में TDS कंपनी के अंतर्गत मीटर रीडर के पद पर कार्य कर रहे हैं। हम लोग 1 नवंबर 2021 से इस कंपनी में कार्यरत हैं। हम लोगों के ज्वाइनिंग के बाद से 20 महीने तक लगातार हमारी तनख्वाह से 1,000 रुपये प्रतिमाह कंपनी द्वारा सिक्योरिटी मनी के रूप में काटा गया है। क्योंकि अब कंपनी का टेंडर समाप्त होने वाला है, कंपनी का टेंडर 3 महीने बढ़ने से अभी रुका हुआ है, नहीं तो अभी तक कंपनी का टेंडर समाप्त हो जाता। अब हम लोगों की मांग ये है कि कंपनी जब तक हमारा कटा हुआ 20,000 रुपये वापस नहीं करती, तब तक हम दोबारा कार्य पर वापस नहीं जाएंगे। तब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। सब लोग हाथ उठा करके कार्य बहिष्कार की घोषणा करेंगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।